बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का यूज तब करते होंगे, लेकिन जिस शैम्पू का यूज आप कर रहे हैं ना, वो आपके बालों को अच्छे से क्लीन तो कर देता है, बट बालों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, वो नहीं दे पाता। तो क्या इसका मतलब शैम्पू का यूज ना करें? बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। आप अपने रेगुलर शैम्पू को ही DIY शैम्पू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके बालों को अच्छे से क्लीन करने के साथ साथ उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, बालों के ड्राइनेस को दूर करेगा और साथ ही साथ बालों को हेल्दी भी रखेगा। और जब बाल हेल्दी रहते हैं ना, तो फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होते हैं और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके ब्यूटीफुल बालों के लिए एक बेहतरीन शैम्पू घर पर कैसे बना सकते हैं। शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, फिर उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स इस शैम्पू का मेन इंग्रेडिएंट है। ये आपको मार्केट से या ऑनलाइन से इजीली मिल जाएगा। मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने ड्राइड रोजमेरी लीव्स का यूज़ किया है। अगर आपके घर पर रोजमेरी प्लांट मौजूद है, तो आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स का यूज़ भी कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 ग्लास फिल्टर्ड वाटर। अगर आपके वहाँ का पानी अच्छा आता है, साफ़ है एकदम, तो आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पानी थोड़ा सा ख़राब है, तो आप फिल्टर्ड वाटर का ही यूज़ करें। मैं हमेशा जब भी कोई रेमेडी तैयार करती हूँ और उसमें मुझे अगर पानी यूज़ करना होता है, तो हमेशा मैं फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ, मुझे यही पसंद है। अब आपके वहाँ का पानी अगर अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल वाटर ही यूज़ करूँगी, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन पानी अगर साफ़ नहीं है ना, तो फ़िल्टर्ड वाटर का ही यूज़ किया कीजिए। डायरेक्ट उस पानी का यूज़ ना करें, जो पानी गंदा है उस पानी का यूज़ ना करें, ठीक है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक उबाल लेंगे। बहुत अच्छे से बॉईल करना है, ताकि रोजमेरी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में आ जाए। तो 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इस पानी को बॉईल कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। और छान लेने के बाद ये हमारा रोजमेरी वाटर हमें मिल गया है। ये अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ देर तक ऐसे ही रख देंगे। ये जो रोजमेरी वाटर हमने तैयार किया है ना, ये बालों के लिए इतना इफेक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद रहते हैं, जो डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, स्कैल्प इरिटेशन को कम करता है, और साथ ही साथ स्कैल्प को एक सूथिंग इफेक्ट देता है। रोजमेरी स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत फ़ायदेमंद है, और जब स्कैल्प हेल्दी रहते हैं ना, तो बाल भी हेल्दी रहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से ये बालों को बचाते हैं। साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी रोजमेरी बहुत इफेक्टिव है। और रोजमेरी बालों को मजबूत भी बनाते हैं, और बालों की जो टूटने के चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जब बाल मजबूत होते हैं, तो बाल टूटने के चांसेस वैसे भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ नेचुरल कंपाउंड्स मौजूद रहते हैं, जो बालों पर एक शाइन लाता है, बालों को थिक बनाते हैं, और उसके टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है। रोजमेरी वाटर तैयार कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक शैम्पू बेस बना लेंगे, जो इस शैम्पू की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। इसके लिए एक बड़े साइज का बोल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। जिस भी एलोवेरा जेल का आप यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए, उसमें कोई भी कलर ना रहे, इस बात का ख्याल रखें। और किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। एलोवेरा जेल डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और लास्ट में ऐड कर देंगे कुछ ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अब इन तीनों को अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा टाइम लेकर मिक्स करते जाना है, और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये एक क्रीमी टेक्सचर में ना बन जाए। तो कुछ देर तक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर एकदम क्रीम जैसा बन चुका है। जब इस तरीके का क्रीम जैसा फॉर्म में ये बन जाए, तब समझ जाए कि मिक्स करना कम्प्लीट हो गया है। इस मिक्सचर में मौजूद एलोवेरा जेल में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एलोवेरा अपने मॉइस्चराइजिंग गुण के लिए भी जाना जाता है, जो स्कैल्प और हेयर दोनों को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखते हैं, जिसके कारण डैंड्रफ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और बाल भी सॉफ्ट और सिल्की बनते हैं। ऑलिव ऑयल फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह एक्ट करते हैं। ये स्कैल्प और हेयर दोनों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं, और इसके साथ साथ ये स्प्लिटन से भी राहत दिलाते हैं। ऑलिव ऑयल बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और मैनेजेबल बनाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और रोजमेरी के बेनिफिट्स तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है। जो बेनिफिट्स रोजमेरी वाटर से आपको मिलेंगे, सेम बेनिफिट्स इसके ऑयल से भी मिलेंगे।
अब आप सोच सकते हैं कि जब हमें इसके वाटर से सेम बेनिफिट्स मिलेंगे तो ऑयल डालने का मतलब क्या हुआ। ऑयल को तो हम स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। तो ये ऑयल हमने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि एसेंशियल ऑयल का एक खुशबू होता है। मार्केट वाले जो शैम्पू हम ले आते हैं उसमें भी खुशबू होता है, तो हम अपने होममेड शैम्पू पर भी एक खुशबू ऐड करने के लिए एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। इसके साथ साथ एसेंशियल ऑयल डालने से क्या होगा, जो ये शैम्पू हम बना रहे हैं ना, इसका शेल्फ लाइफ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रख पाएंगे और रोज़मेरी के डबल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और एसेंशियल ऑयल है, आप अपने पसंद के कोई और एसेंशियल ऑयल डालना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने ऐड कर दिया। आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो इसे स्किप कर दें, बाकी की चीज़ों से शैम्पू को बना लें। अब जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे रोज़मेरी वाटर जिसे हमने पहले बना कर रखा था। रोज़मेरी वाटर डालने के बाद एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये क्रीम है ना वो इस पानी में अच्छे से घुल जाए। अगर आप चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, इसलिए आप विस्कर का ही यूज़ करें इसे मिक्स करने के लिए। जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और ये क्रीम जो हमने तैयार किया है ये पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके बाद हमें ऐड करना है शैम्पू। आप अपने पसंद के कोई भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेबी शैम्पू का यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। शैम्पू का कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से जितना झाग आपको चाहिए आप उस हिसाब से शैम्पू इसमें डाल सकते हैं। शैम्पू डालने के बाद विस्कर की मदद से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और जिस भी शैम्पू का आप यूज़ करते हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि वो माइल्ड हो, उसमें केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा केमिकल्स वाले शैम्पू वैसे भी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा माइल्ड शैम्पू यूज़ करने की कोशिश करें। इसलिए मैंने कहा है कि आप बेबी शैम्पू भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेबी शैम्पू में केमिकल्स नाक के बराबर होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे जन है जिस जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो आप इस शैम्पू को तैयार करने के लिए बेबी शैम्पू का यूज़ किया कीजिए। आप देख पाएंगे कि ये जो शैम्पू हमने बनाया है ना, ये आपके जो केमिकल्स वाले शैम्पू है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अब हम एक ग्लास का बॉटल ले लेंगे और इस शैम्पू को इस बॉटल में भर लेंगे। आपके पास जैसा भी बॉटल या जार है आप उसी में इस शैम्पू को भरकर रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि ग्लास से बने किसी चीज़ में इसे रखने की। और अगर ग्लास का कोई खाली चीज़ ना मिले तो आप प्लास्टिक के किसी बॉटल या जार में इसको भरकर रख सकते हैं। तो शैम्पू को बॉटल में भर लेने के बाद अब हम इसके कैप को बंद करके इसे फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। इस शैम्पू को आप 7 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रूम टेम्परेचर में रखना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे रूम टेम्परेचर में, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स ऐड नहीं किया है, जिसके कारण अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में ही रखें। अदरवाइज आप इसको फ्रेश बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अभी बनाया, अभी यूज़ किया और जो शैम्पू है वो ख़त्म हो गया, बस इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि फ्रेश बना हुआ कोई भी चीज़ हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है। और अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में बनाकर स्टोर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इसे बना सकते हैं। और अगर आपके फैमिली में 2-3 जन ऐसे हैं जो इस शैम्पू को लगाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट में ही बनाएंगे। तो ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें जितना अमाउंट का लिया है उसका डबल अमाउंट आपको लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून लिया है रोज़मेरी लीव्स, आप 6 टेबलस्पून ले लीजिए। 1 ग्लास वाटर के बदले आप 2 ग्लास वाटर ऐड करें। बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ों को आप डबल करके आप किसी बॉटल में भरकर आप स्टोर करके रख सकते हैं और 7 से 10 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख कर आराम से यूज़ कीजिए। घर में जितने फैमिली मेंबर है वो सब यूज़ कीजिए, सबके लिए है ये शैम्पू, हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर आप टीनेजर है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप अगर उम्र बहुत ज़्यादा है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी एज के लोग इसको इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। और इस शैम्पू को यूज़ कब करना है, इसे आप अपने रेगुलर शैम्पू की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अपने बालों पर लगा सकते हैं, कंटिन्यू 3-4 हफ्ते इसको लगाते जाए। उसके बाद आप खुद देख पाएंगे कि आपके बालों पर जो अभी शाइन है, अभी जो 3-4 हफ्ते यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आप देख पाएंगे ना, वो कमाल के होंगे। सच में गाइस कमाल के होंगे। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि कंटिन्यू कुछ हफ्तों तक इसको लगाते जाए, आपके बालों में डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी रेमेडी को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर लेना है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा चीज़ इसमें मौजूद हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो जो आपकी स्किन को या आपके हेयर को सूट नहीं करता हो। इसलिए हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ
कि रेमेडी ट्राई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ले लीजिए। पैच टेस्ट लेने के बाद अगर आपको लगे नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये यहीं तक है, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।